जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है अपने पास डेका कंपनी का मीटर सा। आज मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करना है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको इसके मुतालिक बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो पिन है इसकी, इसको निकालना है। जैसे ही आप निकालेंगे, इसका व्हील जो है फ्री हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अपना पीछे लॉक है, लॉक हो गया हुआ है। इस लीवर को मैं दबाऊंगा तो जो हमारा व्हील है वो फ्री हो जाएगा। देख रहे हैं, ये लीवर को मैंने ऊपर किया तो हमारा जो व्हील है वो बिल्कुल फ्री हो गया, आराम से नीचे आ गया। अगर आप देख रहे हैं, ये इसका टारगेट बटन है, ये लॉक रहता है। जब तक आप इसका टारगेट बटन का इसका बटन दबाएंगे नहीं, आपका बटन जो है वो टारगेट बटन प्रेस नहीं होगा, हर टाइम में लॉक रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं लीवर, ये इसका व्हील का लीवर है। इसका व्हील जो है ये 10 इंच में है और इसको आप दबाएंगे तो आपका जो व्हील है वो लॉक हो जाएगा। ये व्हील जो है ये बेसिकली दो टाइप में आता है, एक 10 इंच में आता है और एक 14 इंच में आता है। दो डिफरेंट टाइप के रहते हैं मॉडल। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल सिंपल वाला है। एक जो आता है, दूसरा मॉडल जो इसका आता है, उसमें आप इसको आगे से पीछे की तरफ कटिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। अगर आप देखें तो इसका ये जो पीछे लीवर है, ये इसका बेसिकली कर्व में कटिंग करने के लिए है। इसको आप नीचे करेंगे तो आपका व्हील जो है वो फ्री हो जाएगा, आप इसको साइड कटिंग कर सकते हैं इजीली। चलिए मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका सेंटर का पॉइंट है और ये आप इसको दोनों साइड में 45 डिग्री एंगल पे कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए आप ये जो इसका लीवर है इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ तो आपका जो व्हील है वो टर्न हो जाएगा दोनों साइड में 45 डिग्री एंगल पे। आप आराम से कटिंग कर सकते हैं किसी भी टेंशन के बगैर। और इसमें अगर आप देखें तो ये दो साइड में इसको हैंग करने के लिए भी है, आप इसको फिटिंग कर सकते हैं अपने टेबल के ऊपर में। अगर आप देखें तो इसके ये सामने की तरफ जो है, ये और ये जो काले पॉइंट है, इसमें इसके कार्बन है। कभी भी आपकी मशीन बंद हो जाए तो आपने सबसे पहले इसके कार्बन चेक करने हैं, आपकी जो मशीन है इसके कार्बन तो नहीं ख़त्म हो गए। और अगर आप देखें तो इसकी जो बैक साइड में है, ये जो सुराख आप देख रहे हैं, ये इसका बेसिकली डस्ट का जो है वो सुराख है। इससे जो इसकी कटिंग की डस्ट रहती है वो निकलती है, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग को बैग की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका व्हील खोलने के लिए आपका बोल्ट है, तो आप इजीली इसको 17 की चाबी से इसको ओपन कर सकते हैं। इसका जो सेफ्टी गार्ड है वो नहीं है, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने अपने काम के हिसाब से इसको उतार दिया हुआ है। तो आपने बिल्कुल मस्ट यूज़ करना है, सेफ्टी के बगैर आपने काम नहीं करना है बिल्कुल भी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम उस्मान भट्ट और यू आर वॉचिंग माई फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल भट्ट। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक्स।